पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCOM, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौबतिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार के 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। बिहार STF ने कुख्यात अपराधी नरेंद्र तिवारी को किया गिरफ्तार, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। पटना में बिहार STF को बड़ी सफलता हाथ लगी है। STF की टीम ने कुख्यात अपराधी नरेंद्र तिवारी को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। नरेंद्र तिवारी छपरा जिले के चित्रवालिया गांव का निवासी है। पुलिस को गिरफ्तार अपराधी की कई मामलों में तलाश थी। नीतीश ने तेजस्वी पर फिर साधा निशाना, कहा मुझे सेवा पर भरोसा लेकिन कुछ लोगों को मेवा से है मतलब। पटना में CM नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद को संबोधित करते हुए एक बार फिर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे बिहार के लोगों की सेवा करने पर भरोसा है लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ मेवा से मतलब है, उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। RJD विधायक के पति की गुंडागर्दी, पार्टी के मीडिया प्रभारी को धमकाया। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। पार्टी के नेता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वोटिंग से ठीक पहले RJD के विधायक की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राजद विधायक सरोज यादव के बाद सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर सीट से RJD विधायक के पार्टी की उम्मीदवार मंगिता देवी के पति की गुंडई सामने आई है। भागलपुर में शांति और निष्पक्ष चुनाव के लिए बनाए गए 54 चेक पोस्ट। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भागलपुर के प्रवेश मार्ग पर विशेष तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बकायदा 54 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। पलक झपकते ही गंगा में समा गया भागलपुर का इंग्लिश मध्य विद्यालय। भागलपुर में गंगा के कटाव के कारण सवौर का इंग्लिश मध्य विद्यालय मंगलवार की सुबह गंगा में समा गया। हालांकि उस जगह से गंगा का पानी नीचे उतर रहा है लेकिन कटाव की तीव्र धारा ने स्कूल की नींव को खोखला कर दिया, इस कारण स्कूल गंगा में समा गया। बिहार में फिर मिले कोरोना के 1223 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,98,223। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1223 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,98,223 हो गई है। बिहार में फिलहाल 11,674 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। पैतृक गांव पहुंचा मंत्री विनोद सिंह का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। बिहार सरकार के दिवंगत मंत्री विनोद सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कटिहार के बड़ी बंधनाहा स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। BJP कार्यकर्ताओं के साथ साथ हर आम और खास ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। महागठबंधन पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कहा NDA हारी तो बिहार में पनाह लेंगे आतंकवादी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राज्य में सियासी पारा गर्म होने लगा है। अब राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। आज वैशाली के महानार में जदयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, हरिहर सहनी और NDA के कई नेता शामिल हुए। ससुराल वालों ने नवविवाहिता को जिंदा जलाया, पति गिरफ्तार। लगातार देश में आवाजें उठाई जा रही है और विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता के साथ उत्पीड़न कर उसे जिंदा जला दिया गया। साथ ही मौके पर उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी मांगने का आरोपित गिरफ्तार। पटना के बक्सर शहर से एक कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी मांगे जाने की घटना में पुलिस लगातार मामले के अनुसंधान में लगी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोपित युवक के साथ इस्तेमाल की गई मोबाइल समेत को गिरफ्तार कर लिया है।